आज पुलिस ने गढ़चिरौली के घने जंगलों से खूंखार नक्सली को किया गिरफ्तार। बाबुल सुप्रियो ने लोकसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। पीएम मोदी और अमित शाह को कहा शुक्रिया। सुरक्षा एजेंसियों को मिला बड़ा अलर्ट। पंजाब चुनाव से पहले हमले करवा सकता है आईएसआई। पेंडोरा पेपर्स मामले में बहुस्तरीय एजेंसियों की जांच शुरू। पिछले सप्ताह हुई पहली बैठक। आतंकी हिंसा से निपटने को सरकार ने कसी कमर। एनआईए, आईबी और रॉ के वरिष्ठ अधिकारियों ने डाला डेरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। आगरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां के फतेहाबाद क्षेत्र बाहमार के नयापुर में एक बाइक अनियंत्रित होकर 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस घटना के बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यहाँ पे सर बाइक आ रही थी बड़ी स्पीड से, उनमें कवर नहीं हुई, कवर होने के चक्कर नीचे खाई में जाके पलट गई। एक की मौके पर दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सेक्टर 25 इलाके में आज एक बैग से नवजात बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बच्ची को देखने वाले राहगीर के मुताबिक वह सेक्टर 25 नहर के पुल पर से गुजर रहा था, तभी उसने एक बैग से बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी, जिसके बाद उसने बैग खोल कर देखा तो उसमें बच्ची थी, जिसके बाद उसने एक महिला को गोद में बच्ची को सौंपते हुए इसकी सूचना मीडिया कर्मियों को दी और इसके बाद मीडिया कर्मियों ने मौके पर पहुंच गए, इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को कब्जे में लेकर डॉक्टरी जांच के लिए फरीदाबाद के अस्पताल बादशाह खान में भिजवा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। यथायक मनोज कुमार था, उसने हमारे को कॉल करके बताया कि ऐसे ऐसे बात है। हम मौके पहुंचे और बच्ची की ज़्यादा उम्र भी नहीं, पाँच जो है 5-6 दिन की बच्ची है और उसमें एक दरी उस गुदड़ी के अंदर लपेट रखी थी। तो हमने बच्ची को लाके मौके पर संभाला। लड़की उसे ठीक ठाक है, उसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो जो है हमने फिर आगे थाने में भी सूचना दी है, तो मौके पर थाने की पुलिस पहुँच गई है और बच्ची बिल्कुल ठीक है। बच्ची को हमने अपना हैंड ओवर कर लिया। बैग के अंदर बच्ची रो रही, उसकी हमने चैन खोली है और वो बच्ची उसमें से ली है। जिस सुबह मैं 6 बजे ड्यूटी से आ रहा था, साइकिल से जी जा रहा था, जब बच्ची रो रही थी तो मैं पहले तो डर गया आवाज़ सुन करके, फिर मैं हिम्मत बांध करके मैंने बैग पे ध्यान दिया तो जी इसमें से आवाज़ आ रही थी बैग में से, फिर मैं हल्का सा चैन खोला तो जी मैं बालक को देखा। जो बैग कहाँ कौन साइड में मिला थी पता? जी ये पूरब साइड में मेरे को बैग मिला था। जब मैं बच्ची को हाथ में ले लिया, इसके बाद आंटी टहल कर आ रही थी, ये बालक को ठंड लग रहा था, फिर मैंने आंटी को बोला आंटी इस बालक को दुपट्टे में दुबका लो, ठंड लग रहा है। फिर मैं बगल में बोला भैया किसी को बुला दो। जब ये सब लोग फतेहपुर के हुसैनगंज में बनी साधन सहकारी समिति से मनमानी सामने आई है, जहां पोटाश की बोरी मनमाने रेट पर बेची जा रही है और इस बड़े रेट को लेकर किसानों में आक्रोश है। तो वहीं किसानों की शिकायत पे कांग्रेस नेता शिवकांत तिवारी साधन सहकारी समिति पहुंचे और किसानों द्वारा खरीदी गई बोरियों में बड़े रेट को करवाया वापस करवाया। फतेहपुर के हदगांव थाना क्षेत्र के कसवार गांव में रात सो रहे बारिश के चलते 2 मंजिला मकान अचानक से बगल में बने दलित के मकान पर भरभरा कर गिर गया, जिसकी वजह से बरामदे में लेटी हुई सास और बहू मलबे में दबकर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन व राजस्व की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद द्वारा काफी मशक्कत के बाद मलबे में दबे शव को निकाले गए। यूपी की योगी सरकार की गड्ढा मुक्त सड़कों के अभियान की बुंदेलखंड व निर्माण सेना ने पोल खोल दी है। मामला हमीरपुर जिले के इंगोहटा छावनी मार्ग का है। लगभग 25 किलोमीटर लंबा यह मार्ग नेशनल हाईवे 34 और स्टेट हाईवे 42 को जोड़ता है, जिसमें 4 दर्जन से अधिक गांव के लोगों का आना जाना है, लेकिन यह पिछले 5 सालों के दुर्दशा का शिकार हो
अधिकारियों की लापरवाही के चलते गड्ढों में तब्दील हो गया है, जिससे लोगों को अक्सर दुर्घटनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसके चलते बुंदेलखंड नवनिर्माण के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विनय तिवारी ने जिला प्रशासन के खिलाफ मुहिम छेड़ते हुए इस सड़क के निर्माण की मांग की है। साथ ही सैकड़ों ग्रामीणों को लेकर पैदल पद यात्रा निकालते हुए मुख्यमंत्री योगी को अपना मांग पत्र भेजा है, जिसमें जर्जर मांग को जल्द से जल्द बनवाने की मांग की है। हमने देखा है कि यहाँ पर बुंदेलखंड में अवैध ओवरलोड यहाँ से ट्रक निकलते रहे, यहाँ के लोगों को परेशानियाँ होती रही। आज भी देखते हैं कि इतनी दर्द जर्जर सड़क है ये कि लोगों को निकलने में जो दूरी हम लोगों को मात्र 15 मिनट में पूरी करनी चाहिए वो 3 घंटे में हम लोग दूरी पूरी करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आए दिन कोई मरीज ऐसी अवस्था में आ जाता है कि जल्दी उसको इमरजेंसी अवस्था में होता है, वो भी नहीं पहुँच पाता है टाइम से, उसको सुचारू रूप से स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं सड़क ना बनने के कारण। इस गाँव का पूरा विकास रुका पड़ा है, आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन शासन सप्ताह इस पर विशेष ध्यान। अचानक से मौसम ने करवट बदली है और जालौन में देर रात हो रही झमाझम बारिश ने किसानों के चेहरों पर नुकसान लग दी है। कुछ ऐसे किसान जिनके खेतों पर पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंची थी और जिन किसानों रुपयों की तंगी के कारण डीजल खर्च कर पानी नहीं लगा पा रहे थे, उनके चेहरे एकदम से खिले हुए हैं, गुलाब की तरह दिखाई देने लगे हैं। और इन किसानों की अगर माने तो निश्चित तौर पर ये बारिश का पानी अमृत के समान है। हालांकि कुछ किसानों के चेहरों पर मुस्कान गायब दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने हजारों रुपए खर्च कर इंजन चलाकर खेतों में पानी दिया और बुआई करके दो दिन पहले ही फ्री हुए थे कि आज झमाझम बारिश ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। ये जो है ये किसान जो बब चुके हैं मटरा, बिजली हो गई, बेकार हो गए, अरे दो दिन हो गए कल बबे का चू। अच्छा अच्छा, कल कहे उनको नुकसान ही है, मतलब 10-15-20 हजार रुपया को बीज लाओ, बीघा को नुकसान है। लखीमपुर खीरी जिलाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया लखीमपुर खीरी के द्वारा दो दिन से हो रही बरसात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया। बनबसा से आज 71,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया, जिसकी गति बहुत तेज है, जिसके चलते एसडीएम निगासन ओपी गुप्ता ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों सहित तहसील क्षेत्र में कार्य तहसीलदार, नायब तहसीलदार व समस्त राजस्व निरीक्षक व लेखपालों को संभावित प्रभावित गांवों में निचले इलाकों को खाली करवाने के निर्देश दिए हैं। नदी क्षेत्र के गांव में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की अपील की है और अधिकारियों व कर्मचारियों से किसी तरह की लापरवाही न करने को कहा है। आपदा के लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई। एसडीएम ने लोगों से इस आपदा में प्रशासन का सहयोग करने की भी अपील की है। आजमगढ़ में जिले में 16 सितंबर की रात हुई बारिश के बाद से शुरू तबाही थमने का नाम नहीं ले रही। यहां से सिधारी थाना क्षेत्र के निजामाबाद मार्ग स्थित संभागीय परिवहन कार्यालय के बगल में स्थित सीताराम की मिठाई की दुकान जमीन में धस गई। अचानक जमीन धसने से वहां मौजूद लोग भी उसमें कुछ देर के लिए फंस गए, इसमें उन्होंने हल्की चोटें भी आई हैं। इसकी जानकारी आसपास के लोगों को हुई तो अफरा तफरी मच गई। जब प्रशासन को इसकी सूचना मिली तो मौके पर क्रेन भेजकर सभी समाज को बाहर निकाला गया। बता दें कि यहां से 16 सितंबर की बारिश के बाद कई दिनों तक जल जमाव का किया जा रहा है। माना जा रहा है कि जमीन दलदली होने के कारण ऐसा हुआ। फिलहाल इस हादसे में कई जानहानि ना होने से सभी को राहत की सांस ली है। अचानक से 4:30 बजे करीब जब पानी की बौछार आई है तो काफी दिनों से यहाँ परानापुर का जो नाला था जिसे सेक्शन दिया गया था, जिसके कारण पानी का बहाव यहाँ बहुत तेज था और काफी दिनों से जमीन यहाँ की दलदली हो गई थी, जिसके कारण जब अभी 4:30 बजे करीब शाम को सीताराम स्वीट्स जो यहाँ उपस्थित है 15-20 लोग वहाँ इकट्ठे थे, समोसा ले रहे थे, कुछ लोग कुछ ग्राहकें थी, औरतें थी, बच्चे थे, अचानक से वो जमीन वहाँ से उनके फ्रिज के सहित बैठ गई, जिसमें जमीन के मतलब उसके मलबे के नीचे कम से कम 10 लोग। अलीगढ़ के तहसील इगलास में भाजपा के कदवा नेता अमित शाह के सलाहकार कहे जाने वाले मंडलाश्मेश्वर ज्ञानेश्वर तहसील इगलास के भाजपा के कार्यालय पर महामंडलेश्वर ज्ञानेश्वर का स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां उनके द्वारा भड़काऊ बयानबाजी करते हुए कहा गया कि 2022 के चुनाव में अगर कोई गलती हो जाती है तो ना तो रहने के लिए हिंदुओं के लिए कोई घर रहेगा और ना ही कोई मठ रहेगा। महामंडलेश्वर के द्वारा कहा गया कि 2013 में वक्फ वोट के द्वारा एक कानून पास
किया गया था, जिसके तहत मुस्लिम कोई भी संपत्ति अपनी बताता है तो डीएम के एप्लीकेशन देकर उस संपत्ति को खाली करवा सकता है, चाहे वह मठ हो या फिर हिंदुओं के घर हो, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि अगर 2022 के चुनाव में हिंदू नहीं जागा तो उसकी खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें कि 2022 के चुनाव नजदीक हैं, जिसको लेकर तमाम तरह की बयानबाजी की जा रही है। राष्ट्रीय यात्रा के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जागो हिंदू जागो, अब बहुत बुरा समय आने वाला है। अगर नहीं जागोगे तो आपके घर से आपको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि 2013 में एक कानून पास हुआ था जिसको कहते हैं बक वोट कानून बना था, सबको जानकारी लेकिन कोई हिंदू बोला नहीं। मैं यही बताना चाहता हूं कि अब तो जाग जाओ कम से कम। उस कानून के तहत ये है कि ना आपका मठ आपका होगा ना आपका मंदिर, दो मुस्लिम आएंगे दो मौलवी आएंगे आपकी जगह, वो कहेंगे ये हमारी जगह है, डीएम में एक तहरीर देंगे और वो वहाँ के आपको बैठ जाएंगे। डीएम तफ्तीश का विषय बाद में होगा, लेकिन उससे पहले आपको घर से निकाल दिया जाएगा। और उसमें एक और बात नीचे ऐड की गई थी कि आप अगर मुस्लिम ने कह दिया और दावा कर दिया कि आप ये जगह वक्फ बोर्ड की है, तो आप अपना अपने अपने अधिकार के लिए आप हाई कोर्ट में अपील तक नहीं कर सकते और आपको वो जगह खाली करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 2013 में नहीं जागे, गलती से एक बटन दब गया सभी हिंदू भाइयों से कि अब आपको आज तक आज़ाद होने के बाद एक हिंदू प्रधानमंत्री इस देश को मिला है। इसलिए यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हिंदुत्व का साथ दीजिए, हिंदुत्व के साथ जागिए और देश को बचाइए। आज हमारे हिंदू राष्ट्र को जगाने के लिए हृदय सर सम्राट मंडले सर आए हुए थे और उनको उनका एक उद्देश्य था हिंदुओं को जगाना। मैं किशन जी गेस्ट हाउस पर आज हमारे हिंदू राष्ट्र को जगाने के लिए हृदय सर सम्राट मंडले सर। बिजनौर के सिहारा बदलते मौसम के बीच पनप रहे संचारी रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ सीएचसी प्रभारी भाजपा नेता सुरेंद्र अरोड़ा मुकेश रस्तोगी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस मौके पर अमित शर्मा महेंद्र सिंह अविनाश अवनीश जोशी वीर सिंह तमाम स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद रहे। तो वहीं सीएचसी प्रभारी ने बताया कि संचारी रोगों से सावधान करने के लिए सरकार के आदेश के बाद यह अभियान 18 अक्टूबर से शुरू हुआ है जो 17 नवंबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत लोगों से सफाई के प्रति व संचारी रोगों के प्रति जागरूक किया जाएगा ताकि बुखार आदि होने पर सीएचसी में इलाज कराने की अपील की जाएगी। संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू है हमारा आज से 17 नवंबर तक, जिसके अंतर्गत शुरू के 10 दिन हम दस्तक का अभियान चलाएंगे, जिसमें आशाएं आंगनवाड़ी घर घर जाएंगी, जो भी फीवर के केस होंगे उनको खोजबीन निकाल कर उनको सामुदायिक। खबर औरैया से है जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा बारा वफात का जुलूस निकाला गया। जुलूस में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए और जुलूस के आगे तिरंगा लेकर चलते नजर आए। साथ ही देश हिंदुस्तान में अमन चैन की दुआ भी मांगी। इस जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मोहम्मद और रसूलुल्लाह एक ऐसी हस्ती और ऐसी ज़ात है कि हर कौम के लिए, हर मज़हब के लिए, हर बिरादरी के लिए वो एक आइडियल है, रहमत का नमूना है। आज हम उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनको मोहब्बत का खिराज पेश करने के लिए और उनके जन्म दिवस पर ये विशाल जुलूस मोहम्मदी जो शहर औरैया की सड़कों पर रवा और दबा है, ये इस्लाम के मानने वाले, ये पैगम्बर इस्लाम के चाहने वाले, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज को फिदाई जानिसार, ये यकजहती का सबूत देते हुए, मोहब्बत का पैगाम देते हुए। हमीरपुर जनपद में 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक जनपद सहित संपूर्ण प्रदेश में चलने वाले संचारी रोग नियंत्रण अभियान के दृष्टिगत आज संचारी रोग नियंत्रण अभियान जन जागरूकता संबंधी रैली को जिलाधिकारी डॉक्टर ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान बरसात के दृष्टिगत संक्रामक रोगों या डेंगू मलेरिया टाइफाइड चिकुनगुनिया आदि के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के द्वारा इन सभी संक्रमण रोगों के नियंत्रण में सहायता मिलेगी। आपको बता दें कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई व सैनिटाइजेशन, एंटी लार्वा छिड़काव, फॉगिंग का विशेष अभियान चलाया जाएगा।
नियंत्रण के लिए ये जो है पखवाड़ा मनाया जा रहा है, तो आज ये संचारी रोग नियंत्रण अभियान से शुभारम्भ किया गया। यह 19 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक चलेगा, पूरे 1 माह का अभियान है। इसी के साथ ही जो है आज भी दस्तक अभियान का भी शुभारम्भ हुआ है, जो कि 30 अक्टूबर तक चलेगा। ये आम जनता में जन जागरूकता पैदा करने के लिए और जो संचारी रोग है, डेंगू है, मलेरिया है और वायरल फीवर है। बिजनौर में चल रहे अंतर जनपदीय खेलकूद प्रतियोगिता का आज समापन हो गया, जहां आईजी मुरादाबाद संबल माथुर ने पहुंचकर खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह में भाग लिया और सीओ ऑफिस अंकित कार्यालय का लोकार्पण भी किया। इस दौरान वहां पर पुलिस अध्यक्ष डॉक्टर धर्मवीर सिंह व जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। जी बेसिकली आज अंतर जनपदीय जो बरेली जोन है उसके जो हम लोग का वॉलीबॉल बास्केटबॉल हैंडबॉल का आज स्पोर्ट्स का क्लोजिंग सेरेमनी है 3 दिवस पहले 17 तारीख को इसका इनॉग्रेशन माननीय कमिश्नर साहब द्वारा किया गया था, आज इसकी क्लोजिंग है। साथ ही साथ आज आपने जैसा देखा होगा अभी 2 रूम्स जो है उनका पूरा जीर्णोद्धार किया गया है। यहाँ पे सीओ ऑफिस का रूम बनाया गया है और साथ ही साथ आंतरिक शाखा का बहुत अच्छा रूम बनाया गया जहाँ पे रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे से कराए जा सके। साथ ही साथ एएसटीयू का नया निर्माण यहाँ पर किया गया। फरीदाबाद में एक बार फिर से गुरु शिष्य का रिश्ता शर्मसार हुआ है, जहां के सिकरोना गांव में सरकारी स्कूल के जहां एक अधेड़ उम्र लगभग 50 वर्षीय शिक्षक अपने स्कूल में पढ़ने वाली 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकतें करने के आरोप लगे हैं। आरोपी शिक्षक की हरकत से परेशान होकर छात्रा ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन पुलिस चौकी जा पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और सख्त कार्रवाई की मांग की। परिजनों के मुताबिक वे भरोसे के साथ बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, अगर स्कूल में शिक्षक ही इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर वह किस पर भरोसा कर पाएंगे। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस आरोपी शिक्षक के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। स्कूल का मामला है और FIR हमने इसमें दर्ज कर ली है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम इसकी, तो जो भी इसमें सही मामला पाया जाएगा उसमें कार्रवाई होगी। कौन सा टीचर? हरपाल नाम बताया गया है इसका, यहाँ स्कूल में है। बच्ची की कंप्लेंट जो मिल गई है बच्ची के बारे में हमने FIR दर्ज कर दिया है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम इसको। बच्ची स्कूल आई थी सुबह 8:30 बजे जी और 10:30 बजे सर की क्लास लगती है, हरपाल सर है और वो 56 सेक्टर में रहते हैं मैं, और उसने हरकत बच्चे के साथ छेड़छाड़ की हरकत करी है और 13 साल की बच्ची है और सर की जो उम्र है वो कम से कम है 55 के। फरीदाबाद के डबुआ रोड पर स्थित 17 नंबर चुंगी के पास बीते रात 2 गाड़ियों में जोरदार भिड़ंत हुई। इस जोरदार टक्कर से जहां दोनों गाड़ियों के परकच्छे उड़ गए तो वहीं शिफ्ट डिजायर जैसी अनबैलेंस होकर पास ही में खड़े लोगों पर जा टकराई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों को सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। मौके पर लोगों ने 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को बुलाया। पास ही में मौजूद लोगों ने गाड़ी के ड्राइवर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों का यह भी कहना है कि वरना गाड़ी चालक नशे की हालत में था। वहीं इस पर पूरे मामले में पुलिस द्वारा मिली जानकारी में पुलिस ने बताया कि इस एक्सीडेंट में जिस किसी भी कार वाले की गलती होगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम सब्जी बढ़ा रहे थे और दोनों ही गाड़ी तेज थी और दोनों की जब गाड़ी टक्कर हुई तो उनका क्या है, जो सामने से वैगनार आ रही थी उसमें वर्मा वालों ने टक्कर मारी काफी जोर से और जब उसका अनबैलेंस हो गया और दोनों ही धूत नशे में और जब वो सीधा आके हमारी सब्जी वाले काउंटरों में तो तोड़ी फोड़ हो गई है, हमारी बैग भी टूट गई है और जिससे क्या है जब हमने उसको जब उन दोनों की गाड़ी रुक गई है तो हमने जैसे उसको उठाने की कोशिश तो उसने उठने की जगह चाबी घुमा दी थी तो वो इतनी स्पीड में गाड़ी थी कि हमारी मम्मी भी आ रही थी उधर से तो उनमें टक्कर मारी है, फिर हम जैसे पीछे भागे हैं उसको पकड़ने के लिए तो फिर उसने हमारे में टक्कर मारी है। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में बुखार का प्रकोप है। जनपद मुरादाबाद के शहरी इलाके नवाबपुरा में पिछले 8 दिनों में बुखार से पीड़ित 4 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 50 से ज्यादा बुखार से पीड़ित हेवनापुर में लगभग 150 परिवार है। घर घर में कोई न कोई बुखार से पीड़ित है जिनका घरों के अंदर ही इलाज हो रहा है। परिजनों का कहना है कि जिस भी
बुखार आने पर जांच कर रहे हैं तो रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। स्थानीय निवासियों का यह भी कहना है कि इस इलाके में बहुत गंदगी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी MC गर्ग से नवापुरा इलाके के बारे में बात की तो बताया नवापुरा का मामला संज्ञान में है। यहाँ के ज्यादा मरीज हैं जिनकी मृत्यु हुई है, कारण पता किया जा रहा है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप भी लगाए जा रहे हैं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी का स्पष्ट कहना है कि डेंगू बुखार है और रहस्यमय कोई बुखार नहीं है। स्थिति यहाँ पर जो है काफी खराब है और इस एरिया क्षेत्र में जो है हर घर में कोई ना कोई मरीज पड़ा हुआ ही है। कहीं ना कहीं हमारे बड़े भाई साहब का नीचे मकान है, वहाँ भी जो है हमारी भाभी, उनका लड़का, हमारी बहन और भांजी भी हमारी जो है उसमें उनकी तबीयत खराब हो गई, उनके भी ग्लूकोज चढ़ा है। देखिए जिला अस्पताल में सभी तरीके के इंतजाम हैं और कल से हमारा प्रदेश स्तरीय दस्तक अभियान स्टार्ट हो रहा है और उसमें संचारी रोग से संबंधित सभी कार्य किए जाएंगे। दस्तक में प्रत्येक घर पे जाके सर्वे भी किया जाएगा। उसको 5 तारीख को बुखार आया था, 5 तारीख, हाँ, तो दवाई दिलवा दी मोहल्ले से। उसके बाद में ठीक, मतलब बुखार ठीक हो गया था। शाम को फिर फीवर हुआ, 6 तारीख को लाइन पार दिखा दिया था और लाइन पार दिखाने के बाद में उसका रिपोर्ट कराई 7 तारीख में, डेंगू पॉजिटिव आया। उसके बाद में TMA में भर्ती करा दिया 7 की शाम के लिए 5 बजे लगभग। यूपी के जनपद महाराजगंज के छोटी बारी महाराजगंज मार्ग को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जोड़ने वाला NH 730 एस मार्ग को कडौरा बाजार स्थित पुल बरसात की वजह से धस गया है, जिसमें आवागमन बाधित हो गया है। दोनों तरफ से आने जाने वाले लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। 4 पहिया वाहनों का आवागमन बुरी तरह से बाधित हो चला है। बताया जा रहा है कि पुल का अप्रोच सप्ताह भर से धसा जा रहा था, पर शासन प्रशासन ने सोर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते किसान संघर्ष मोर्चा व कांग्रेस नेता राजू गुप्ता ने जिला प्रशासन को भ्रष्ट करार दिया और जल्द से जल्द पुल निर्माण करने की मांग की है। अन्यथा की स्थिति में सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ने की भी बात कही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेहा जाहिद अली शाह ने भी पुल के निर्माण की मांग उठाया है तथा ज्ञापन देकर सरकार को अवगत कराने की बात कही है। ताज नगरी आगरा में थाना रकाबगंज क्षेत्र के विवाहिता की तीसरी मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसकी वजह से मृतका के परिवार में कोहराम मच गया है। आपको बता दें कि शाहगंज थाना क्षेत्र के जगजीवन नगर की रहने वाली निशा की शादी 7 माहपुर रकाबगंज थाना क्षेत्र के चक्की पाट इलाके में रहने वाले राहुल से हुई थी और बीती रात निशा और उसके पति बीच विवाद हो गया था। तो वहीं मृतका के परिजनों का आरोप है कि विवाद के बाद बीती रात को निशा को तीसरी मंजिल से फेंक दिया गया, जिसके बाद निशा की मौत हो गई। पूरे मामले में पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। सर ये कि ये लोग दहेज के लिए टॉर्चर कर रहे थे कि ये हमें ये चाहिए वो चाहिए, और जिस दिन से वो गई है उसको इतना टॉर्चर किया गया है कि एक भी दिन उसको सुकून से रहने नहीं दिया उन लोगों ने। अच्छा, ये शादी कब हुई थी? 7 महीने पहले, मार्च में। 7 महीने पहले इसके में ही ऐसे विवाद शुरू हो गया जी। ताज नगरी यमुना में बेशक जहाज चलते हुए ना दिखाई दे, लेकिन यहाँ पानी में ट्रेन जरूर चलती नजर आ रही है, या यूं कहें कि आगरा शहर में ट्रेन पटरी पर नहीं बल्कि पानी पर चलती ही जा रही है। जी हाँ, पानी पर ट्रेन के चलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें चारों ओर पानी ही पानी है, जहाँ पटरी भी दिखाई नहीं दे रही और पानी के बीच से ट्रेन गुजर रही है। बता दें सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो थाना एतमादुल्ला क्षेत्र के अंतर्गत यमुना ब्रिज स्टेशन के पास का बताया जा रहा है, जहां आगरा शहर में हुई मूसलाधार बारिश के बाद पूरी पटरी पानी में जलमग्न हो गई है। चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ था, पटरी नहीं दिखाई दे रही थी। वहां से जब ट्रेन गुजरी तो ऐसा लगा कि ट्रेन पटरी पर नहीं पानी के ऊपर चल रही थी। इसी दौरान किसी शख्स ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। आजमगढ़ पहुंचे डॉक्टर संजय निषाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं संग बैठक कर चुनाव को लेकर रणनीति तय की, जबकि कार्यकर्ताओं ने भी जुलूस निकाल कर शक्ति प्रदर्शन कर अपने अध्यक्ष का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में संजय निषाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय नहीं हुआ था, बल्कि वह गठबंधन के तहत भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हुए थे।
से हमारे निषाद बाउल है, अतरौलिया है, फूलपुरा है, सब तमाम सीटें ऐसा है। कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जिसमें हमारे 50 गांव, 60 गांव, 70 गांव भसुआ बाउल ना हो। इनके साथ और भी जातियाँ हैं, तेली बड़े लोहार कहाँ पाल, वो भी हमसे अटैच हैं, वो भी सताए जा रहे हैं। उनको भी आशा है कि निषादों का हिस्सा मिल रहा है तो हम उनके साथ रहेंगे, हमारा मिलेगा। तो ऐसे कोई ऐसे भी मानसून की विदाई से सप्ताह भर बाद अचानक तेज आंधी और बारिश ने प्रदेश के कई जिलों में कहर बरपाया। उत्तर प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश से पिछले 24 घंटे में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं जनपद मैनपुरी में बारिश के कारण ईंट की बनी कच्ची दीवार गिरने से एक मासूम की दबकर मौत हो गई। ये मामला घिरोना थाना क्षेत्र के मोहल्ला फर्रास का है। वहीं फतेहपुर में बारिश के चलते मकान की छत गिर गई। छत गिरने से गृहस्थी का सारा सामान दबकर नष्ट हो गया, पूरा परिवार बाल बाज पर गया है। यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन विंध्याचल मंडल मिर्जापुर द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विगत दिनों मंडल प्रभारी शैलेश दुबे को षड्यंत्र और साजिश के तहत फंसाए जाने का आरोप बदोही जनपद के औरैया थाने में की पुलिस पर लगाया गया। पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए प्रभारी मंडल अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के द्वारा जारी नियम की गाड़ियां सड़कों पर अंडरलोड दौड़े, इसके निर्माण एसोसिएशन के द्वारा लगातार किया जा रहा था, जिससे कुछ लोगों को नुकसान हो रहा था, जिसके कारण मेरे ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया गया है और मुझे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। पुलिस अपने द्वारा लगाए गए आरोपों को न्यायालय में साबित नहीं कर सकी। ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र मेरे लिए रचा जा रहा है। कुछ ऐसी साजिश हमें आगे नजर आ रही है कि आगे हमें जाल माल का खतरा भी हमारे ऊपर हो सकता है, या बहुत बड़े मुकदमे में भी हमको फंसाया जा सकता है। वर्तमान समय में जो सरकार है वो बहुत न्यायप्रिय सरकार है और हम लोग हमेशा अंडर लोड गाड़ियों का संचालन कराते आए हैं और सरकार हमेशा सहयोग की है और हमारी घर से गिरफ्तारी भी की गई है और हमको जिस जगह थानों में FIR कराया जा रहा है, फर्जी, हमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में ऐसा हमारे साथ हो क्यों रहा है, मैंने ऐसा क्या किया। अब क्या कानून का पालन कराना, अंडर लोड गाड़ियों का संचालन कराना गलत है? अगर इसमें किसी ने हमारे साथ साजिशन मुकदमा ये किया है तो इसकी जांच होनी चाहिए गहन से, क्यों मतलब ऐसा कराया गया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मिर्जापुर का अध्यक्ष भी हूँ, पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ और इनका मैंने वकालत ज्ञानपुर सत्र न्यायालय में जा करके किया। FIR को देखा गया, अदालत को हमने FIR के बारे में बताया। FIR देखने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची थी कि वास्तव में जो 14 तारीख की घटना है वहां कोई घटना घटित ही नहीं हुई थी। शॉर्ट कट में मैं आपको बता दूं उनकी घटना क्या स्टोरी इन्होंने बनाया था कि एक ट्रक को खड़ा किया गया था और वह ट्रक का मालिक को मुलजिम बनाया गया है और उन्हीं के ड्राइवर से पैसा लेन देन करा रहा है 500 रुपये का और उसका फ़ोटो खींचे हैं और यह बताया जा रहा है कि ये RTO बन करके फर्जी ड्राइवर से पैसा ले रहे हैं। तो हमने न्यायालय को यह बताया कि जब ओवरलोड गाड़ी थी, ये लोग फर्जी RTO थे, तो ड्राइवर को वादी क्यों नहीं बनाया गया और ट्रक को चालान क्यों नहीं किया गया। इसका मतलब कि ओवरलोड ट्रक को छोड़ने वाला काम हमेशा औरई पुलिस करती है, इसलिए कि ओवर ट्रक को छोड़ दिया इन्होंने और जो RTO बनाया उसको इन्होंने चालान किया फर्जी फंसाने के लिए कि भाई तुम भी इसी तरह से। मैनपुरी से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां चिकित्सक और तीमारदार के बीच मारपीट हो गई। उपचार कराने पहुंचे पीड़ित पति पर दलित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामले को झूठा बताते हुए पीड़ित पत्नी ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल मैनपुरी के कुरावली CHC पर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मुनीन्द्र सिंह चौहान द्वारा महिला मरीज के पति के साथ मारपीट का मामला सामने आया था, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। महिला का आरोप है कि मामले में राजनीति की धमक दिखाते हुए चिकित्सा अधीक्षक ने दलित स्वास्थ्य कर्मी को मोहरा बनाते हुए एक झूठा मारपीट का मुकदमा दर्ज उनके पति पर दर्ज करा दिया। महिला ने बताया कि उसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। जैसे ही इसकी जानकारी महिला को हुई, महिला गंभीर हालत में ही पुलिस अधीक्षक के पास गुहार लगाने पहुंची, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
शहर के देवकाली स्थित कोरखाना नील गोदाम के पास हुए मंजीत यादव हत्याकांड मामले में दोषियों को फांसी दिए जाने और पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के बैनर तले यादव समाज के लोगों ने तहसील के तिकोनिया पार्क पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा ने राज्यपाल संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को सौंप दिया है। दिए गए ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि धनीराम को पूर्वा निवासी मंजीत यादव के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार कर उन्हें फांसी दी जाए। इसी के साथ उनके परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी भी दी जाए। साथ ही घटना में घायल दोनों नाबालिग लड़कियों को मुफ्त इलाज की व्यवस्था के साथ साथ 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाए। अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के लोगों से सरकार पर जातिगत राजनीति का आरोप लगाया है कि सरकार यादव समाज के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई तो अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा पूरे देश में आंदोलन करने को बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन की होगी। यहां धनीराम पूर्वा निवासी मंजीत यादव को कुछ अपराधियों ने आधा दर्जन गाड़ियों के साथ गोलियों से बौछार कर उनकी हत्या कर दी गई। आज 1 हफ्ता हो गया, लेकिन इस प्रशासन ने न परिवार को आर्थिक न न्यायिक कोई भी सिद्धार्थनगर जिले में जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। डुमरियागंज में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकालकर यह पर्व बड़े धूमधाम से मनाया। इस पर्व में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ लोगों को भी देखा गया। साथ ही साथ लोगों ने भाईचारे का पैगाम देते हुए एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की। साथ ही साथ नारेबाजी भी की गई। ललितपुर में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसे मौत की घाट उतार दिया। मामला थाना जखौरा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की है, जहां नाबालिग किशोरी के साथ रेप कर अर्धनग्न अवस्था में जान से मारकर फेंक दिया। आपको बता दें कि गांव में खेत के नाले में लाश मिली थी, जिसके बाद किशोरी के परिजनों ने मामा पर आरोप लगाया है। भारी पुलिस बल के साथ पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और किशोरी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मृतका के पिता ने बताया कि वह इलाज कराने के लिए दूसरे गांव गया था। घर पर लौटकर आया तो उसकी तीसरे नंबर की पुत्री लापता थी। छोटी पुत्री ने बताया कि मोहल्ले का ही निवासी एक युवक शाम को ले गया था, जिसके बाद लड़की का शव घर से कुछ दूर बरामद हुआ। जिला ललितपुर की घटना है, जिसमें चंदन सहरिया नामक व्यक्ति ने आज दोपहर में 1:30 बजे एक तहरीर दिया कि उसकी पुत्री कल शाम 7:30 बजे जब वो दवा लेने वो उसकी पत्नी गए थे, उसके बाद से लापता है और रात भर हम लोग तलाश किए नहीं मिली और सुबह 10:30 बजे उसे पता चला। उसके घर के पीछे ही करीब 100 मीटर की दूरी पर वो मरी हुई पड़ी थी और उसकी बॉडी को जो है पंचायतनामा भर के PM के लिए भेज दिया गया है और उसने लिख के दिया है कि पुलिस आवश्यक कार्रवाई करे। हम हर पहलुओं की पड़ताल कर रहे हैं, जैसे PM रिपोर्ट में आएगा उस अनुरूप अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी सभी पहलुओं पर गहनतापूर्वक। मिर्जापुर के हालिया विकास खंड के बबुरा रघुनाथ सिंह गांव में हिम्मत कोल की तीसरी पुण्यतिथि पर पहुंचे सोनभद्र के सांसद पकौड़ी लाल कोल की कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जुबान फिसल गई और वह वायरल हो गया। हालांकि हिम्मत कोल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पकौड़ी लाल कोल ने आदिवासी और कोल समाज की लड़ाई लड़ने के लिए अपने प्राण न्योछावर करने की बात भी कही है। अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए अपना दल S के सांसद पकौड़ी लाल कोल की जुबान फिसल गई, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण ठाकुर को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी, जिसके बाद जमकर बवाल हो गया। वहीं इसको लेकर अनुप्रिया पटेल का भी बयान सामने आया है। किसी भी धर्म या जाति विशेष के प्रति अमर्यादित भाषा का उपयोग करना मेरी पार्टी अपना दल के संस्कारों का हिस्सा नहीं है। अपना दल अपने गठन के समय से ही वंचित, शोषित और दबे कुचले वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष करती आई है। एक वायरल वीडियो मेरे संज्ञान में आया है, जिसमें उपयुक्त की गई भाषा अत्यंत अमर्यादित है और मेरी पार्टी उसकी
पिछले दो दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते पहाड़ों पर लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और नदियों में उफान के चलते उत्तराखंड के रामनगर बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। कल रात भी रामनगर बैराज से 42,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और आज लगभग 1,39,000 क्यूसेक पानी सुबह से छोड़ा गया है। पिछले 24 घंटे में रामनगर बैराज से 1,81,500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है जो कि रामपुर की कोसी नदी से होकर गुजर रहा है। रामपुर में कोसी नदी इस वक्त उफान पर है और लगभग 32 ऐसे गांव हैं जिन पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर रखे हैं। रामपुर में लगभग 36 बार चौकियां बनाई गई हैं और प्रभावित क्षेत्रों से प्रशासन ने ग्रामवासियों को जलाशयों से दूर रहने की हिदायत दी है। वहीं क्षेत्र में पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा की दृष्टि से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो सके। कोसी नदी में जलस्तर बढ़ने के चलते ग्राम लालपुआ में कोसी नदी पर स्थित अस्थायी पुल को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि पुल पिछले काफी समय से राजनीतिक मुद्दा भी बना हुआ है लेकिन अभी तक इसकी मरम्मत नहीं हो सकी। नहरखंड अधिकारी सियाराम ने बताया कि अब तक 1,81,500 क्यूसेक पानी उत्तराखंड के रामनगर बैराज से छोड़ा गया है। जनपद रामपुर के 32 गांव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सभी क्षेत्रवासियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। रॉबर्टगंज 80 लोकसभा के सांसद पकौड़ीलाल कोल ने ब्राह्मण और क्षेत्रियों के मंच पर अपशत कहा, जिससे अपशत कहे जाने से नाराज ब्राह्मण व क्षेत्रियों ने जनपद को जगह जगह प्रदर्शन कर रोष जताया। नाराज ब्राह्मण और क्षेत्रियों ने रॉबर्टसन कोतवाली में तहरीर देकर FIR कराई और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। प्रदर्शनकारियों को देखकर यही लगता है कि कुछ माह बाद आने वाले विधानसभा के चुनाव में ब्राह्मण और क्षत्रिय मतदाता अपना दल को सबक सिखाने की ठान रहे हैं। इसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ सकता है। आज का यह जो प्रदर्शन है 15 तारीख को मिर्जापुर के रघुनाथ सिंह गांव में सांसद सदस्य जो यहाँ के हैं पकौड़ी लाल कोल जी, इन्होंने मंच पे वर्ग संघर्ष कराने के लिए भाषण दिया और वर्ग संघर्ष में इनके द्वारा यह स्पष्ट कहा गया कि ब्राह्मण और ठाकुर को अपशब्द कहते हुए कहा गया कि मैंने पिटवाया। और जब इनको बचाने के लिए पुलिस प्रशासन के लोग आए जिसमें 12 सिपाही, 1 CO और 2 दरोगा के स्तर के लोग थे, उनको भी पिटवाया। इससे स्पष्ट होता है कि सांसद जी यहाँ राजनीति नहीं, यहाँ की बातों को संसद में रखने के लिए नहीं बल्कि यहाँ वर्ग संघर्ष कराने के लिए आए हैं और जो आज दिखाई देने लगा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के गठबंधन के यहाँ सांसद पकौड़ी लाल कोल जी हैं, वो लगातार ब्राह्मण क्षत्रिय और सवर्णों के प्रति अपशब्द का वो बयान देते रहे, लेकिन उनका बयान कल से सार्वजनिक हो गया है, वो वायरल हो गया है। इसके पहले अभी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी जो अभी भदोही से सांसद है बिंद, वो ब्राह्मणों को जने उतारने की बात करता था, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ त्याग तपस्या करके सभी जातियों ने मिलकर मोदी जी के नाम पर उसको जिताने का काम किया। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार।